तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर कि आपने इस मुख्यमंत्री बनने के स्थिति में अपने शुरू से कैसे संघर्ष किया? ये सबसे खतरनाक सवाल। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अपने गांव से करीब 5.5 किलोमीटर दूर जाता था मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने। मेरे गांव में दो नाला है स्कूल के जाते तक के, पुल नहीं, सड़क नहीं, पैदल जाते थे, है ना, बीच में नाले और उसके बाद भरका। भरका जानता थे? भरका नहीं जाना? हेलो नहीं जाना सर। भरका ये है कि जब पानी जीते ना तो जब कन्हार माटी में गड्ढा हो जाते, वो पानी भरे रहते, तो कूद कूद के जाते, वही भरका है, समझ गए ना? यस सर। तो भरका तो वहां हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ विधायक भी जरूर आते थे, लंबी लंबी भाषण देते थे जैसे मैं दे रहा हूँ। उनको लेकिन हम लोग रुके रहते थे वो प्रसाद लेने के लिए, किसका? उसे और बूंदी का प्रसाद। अब छठी पढ़ रहे थे तो भाषण से क्या लेने देना, लेकिन झेलते इसलिए रहते थे कि वो बूंदी का प्रसाद मिल जाए, वो खत्म करे, हमको बूंदी मिले। लेकिन तब तक झेलते थे, बैठे बैठे सोचता था मैं कि हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं पहुंची थी, सड़कें भी नहीं बनी थी, पुल भी नहीं था, तो ये सब पुल पुलिया सड़क पानी बिजली स्कूल कॉलेज खुलवाने का विधायक लोग करते हैं। मैं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूंगा और मेरे गांव में सब सड़कें हैं ना, उसको मैं बनवाऊंगा। और फिर धीरे धीरे कहीं कॉलेज में आ गया, साइंस कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ से वहां चला गया, खेती करने नौकरी की इच्छा थी नहीं, गांव में खेती के बाद जो समय मिलता था तो जनसेवा में लगा देता था। धीरे धीरे कांग्रेस पर युवक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, संगठन के गतिविधि समझने लगा, उसके बाद विचारधारा बड़े नेताओं के जीवनी पढ़ने लगा, तब यह समझ आया कि लोगों के लिए क्या संघर्ष करना है और छत्तीसगढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जो पुरुषों ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने के लिए यह सफर शुरू हुई और आज इस मुकाम में पहुंचा। ठीक है, थैंक यू।